हेल्दी खाना कैसे देना है वो खाता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो हर एक पेरेंट्स की होती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीटरूट की पूरी। बीटरूट की पूरी हम बनाएंगे आलू की सब्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी वीडियो। चुकंदर की पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले आपको बीटरूट को बॉईल करना है। ये बीटरूट बॉईल होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, जितना आप पोटैटो को बॉईल करते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसे बॉईल होने के लिए। आप बीटरूट को उतना बॉईल करेंगे जिससे कि अच्छे से मैश हो जाए, ताकि आपको ग्रेट करते या फिर मिक्सर में पीसते बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। अब आटा लगा लेते हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आटे में डाल दिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, चुटकी भर अजवाइन और खाने वाला नमक। आप यहाँ पर वाइट सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चुकंदर। तो मैं बीटरूट को इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रेट करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसे मिक्सर में डाल करके पीस के प्यूरी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बीटरूट मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आटे के साथ डाल करके इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इतना ही इनफ है, आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप पानी इसमें ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपका आटा स्टिकी हो जाएगा और पूड़ियाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप बीटरूट को आटे के साथ अच्छे से कंबाइन कर लें। अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और अपना अच्छा सा आटा गूंथ लीजिए। तो ये लीजिए इस तरीके से आटा लग करके तैयार हो गया। आटे को 5 मिनट तक हम रेस्ट करने देंगे, जिससे आटा जो है अच्छे से फूल जाएगा और उसकी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 मिनट के बाद हम एक चकले में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि इसका आटा थोड़ा स्टिकी होता है। तो आप सूखा आटा लगाने की बजाय हल्का हल्का ऑयल या फिर घी लगा के पूड़ियाँ बेलेंगे तो पूड़ियाँ बेलना आसान हो जाएगा। जिस भी शेप में आपको पूड़ियाँ बेलना आता है, आप राउंड या फिर स्क्वायर जैसा भी बेल सकते हैं, पूड़ियाँ बेलिए और ऑयल में इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल आपका बिल्कुल हाई फ्लेम पे होना चाहिए। अच्छा गर्मा गर्म तेल में पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल करके निकलती हैं। गर्म तेल में पूड़ियों को डालने के बाद हल्का हल्का चम्मच से ऊपर की तरफ प्रेस करते जाएं तो आपकी पूड़ी बहुत अच्छे से पफ हो जाती है। ये देखिए बीटरूट की पूड़ी एकदम गर्म गर्म क्रिस्पी और बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। ये पूड़ियाँ आपके बच्चों को बहुत टेस्टी लगेंगी। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी बीटरूट की पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई है। इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ आलू की सब्जी के साथ। आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है, मेरी बेटी को ये सब्जी बहुत पसंद है। अगर आपको भी देखना है कि ये सब्जी मैंने कैसे बनाई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। देखते हैं अनाया को ये पूड़ी और सब्जी कितनी पसंद आई है। वीडियो मैं अपना यहीं पर ख़त्म करूँगी, मिलूँगी आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।